यूपी में अब एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना होगी। योगी सरकार ने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना बनाई है। 75 में से 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए गए। 9 मेडिकल कॉलेजेस का बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण भी करेंगे। अब बचे 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए हैं। एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा ही। सिर्फ 16 जिले वैसे उत्तर प्रदेश में बचे हुए, बाकी के जिलों में या तो काम चल रहा है या काम लगभग पूरा हो गया है। कुछ मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण बहुत जल्द प्रधानमंत्री करेंगे भी। बाकी के लिए योजना बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आगामी 20 साल की जरूरतों को देखकर बनाए जाएंगे नर्सिंग होम और अस्पताल। ये एक बड़ी खबर है। एलडीए प्रत्येक नए विकसित हो रहे इलाके में अस्पताल के लिए अलग से भूखंड रखेगा। इसके अलावा अन्य भूखंड विकसित किए जाएंगे। पहले से अस्पताल के लिए खाली भूखंड पर भी काम शुरू होगा। डीएम व एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने बैठक की है और इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, एलडीए के अधिकारी के साथ चीफ टाउन प्लानर भी शामिल हुए हैं। इस बैठक में चर्चा में वर्तमान में छोटे बड़े मिलाकर राजधानी लखनऊ में कुल 1200 अस्पताल, अगले 20 साल में 2300 तारों की जरूरतों का अनुमान, इस हिसाब से महायोजना विकसित करेगा एलडीए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की योजना, तो आने वाले समय में अस्पताल और नर्सिंग होमों को इस तरह से बनाया और डेवलप किया जाएगा कि आने वाले 20 साल की जरूरतों पर वो खरा उतरे। और आइए ब्लॉक प्रमुख चुनाव की बात करते हैं। आज नामांकन वापसी का दिन है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। कल फायरिंग और पथराव के बीच नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। 75 जिलों में 825 ब्लॉक्स में प्रमुख पद के लिए 10 जुलाई को मतदान होगा। 10 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद वोटों की गिनती होगी। 10 जुलाई को ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। 825 ब्लॉक्स पर चुनाव हो रहे हैं। 250 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। और बड़ी खबर, झांसी से पूर्व राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह पर मुकदमा दर्ज हो गया है। उन पर 150 लोगों पर भी उनके साथ मुकदमा दर्ज हुआ है। चिरगांव ब्लॉक में कल लाठीचार्ज और बवाल हुआ था। कई धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज किया है। झांसी में पूर्व राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह समेत 150 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल कल लाठीचार्ज यहाँ पर पुलिस को करना पड़ा और इसी मामले को लेकर ये केस दर्ज हुआ है। जबरदस्त बवाल उन्नाव में हुआ था, खुलेआम फायरिंग, गुंडागर्दी, और उसको काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। चंद्रपाल सिंह समेत 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चिरगांव ब्लॉक में कल लाठीचार्ज और बवाल हुआ था।